So we discussed about the saturated, unsaturated, and supersaturated solution, right? So solubility is further a topic from that topic, saturated, unsaturated, and supersaturated solution. So solubility क्या है basically? आप अपना solute जो है वो dissolve कर रहे हैं किसी भी solvent में, right? We are dissolving our solute in a particular solvent. अब वो solute कितना dissolve हो रहा है इसमें? Okay? The particular solute that we are putting or that dissolving in the solvent, how much that is soluble? So that is given by the term solubility. Okay? अब जैसे हमने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की थी लास्ट टाइम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, कि हम 1 kg ऑफ सब्सटेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे थे. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी हम अपना जो सॉल्वेंट है वो फिक्स रखेंगे एंड दैट विल बी 100 ग्राम. ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा सॉल्यूट है वो कितना डिजोल्व हो गया, राइट? So that is going to give us the solubility. Okay, in a particular gram or in a particular volume of solvent, how much my solute is basically soluble in that? So that gives you solubility. So agar hum definition likhe, it is the amount of solute. Kitna amount of solute jo hai wo mera dissolve ho gaya hai in 100 gram of solvent okay. So 100 gram of solvent में कितना solute जो है वो हमारा dissolve हो गया है, और दो conditions हमने fix करनी है. एक तो हमने solvent की condition fix कर ली कि मैंने 100 gram में ही देखना है, और दूसरा मैंने क्या फिक्स कर लिया है, टेम्परेचर. ओके, ना मैं सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज करूंगी ना मैं टेम्परेचर चेंज करूंगी, और उसके उस कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और उस कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट की अमाउंट पे आई विल सी दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ माय सॉल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व. सो दैट गिव्स यू सॉल्युबिलिटी. Okay, so that gives you solubility. अब solubility जो है वो temperature पे depend करती है. That's it. अगर आप temperature बढ़ाओगे, see I have to prepare a saturated solution. What do you mean by saturated solution? हाँ जी, what do you mean by a saturated solution? जी लवलीना, what is saturated solution? A solution in which no more solute can be added. Right. So हमने क्या करना है? हमने अपना saturated solution बनाना है जिसमें हम और ज़्यादा solute जो है वो add नहीं कर सकते. ठीक है? तो उस point पे हमने अपने solute की या अपने solution की solubility check करनी है कि उसमें कितना solute जो है वो add हो चुका है. Now solubility actually depends on one factor only and that is temperature. ठीक है, अब अगर आपका सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो रहा है, सपोज हम क्या करते हैं, कई बार हम शुगर सिरप बनाने के लिए जो शुगर है उसको हल्का सा वार्म कर लेते हैं वाटर को, करते हैं ना ऐसा? यस, वी नॉर्मली डू, वी नॉर्मली वार्म द वाटर इन विच वी वांट टू ऐड समथिंग. तो उससे क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूट है वो इजिली मिक्स हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाता है. दैट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो सॉल्युबिलिटी इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. Okay, and solubility it decreases with temperature. Okay, यही अगर आप एक hot water ले रहे हो और एक cold water ले रहे हो, दोनों में same solute डाल के आप dissolve कर रहे हो, तो जो hot water वाला solute है वो जल्दी dissolve हो जाएगा, जल्दी soluble होगा, जो cold water वाला है उसमें कम solubility होगी. Okay, so solubility depends on temperature. As soon as the temperature is increased, solubility of that substance it increases. And when the temperature decreases, the solubility it decreases. Clear? Clear, beta? Right. So this is about the solubility topic. Suspension we have done. Suspension हमने कर लिया हुआ है.
हाँ जी लवलीना, वी हैव डन सस्पेंशंस. ओके सो यू कैन लोअर योर हैंड लवलीना एंड अपर्ण, आर यू हैविंग एनी डाउट? ओके यस लवलीना एंड यस अपर्ण. मैम सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन सेम कांसेप्ट है? सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन सेम कांसेप्ट नहीं है. हमने अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना, ठीक है? तो एक सॉल्यूशन बनाना है सैचुरेटेड, उसमें हम कितना हमारा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व करवा सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है कि एग्जैक्टली मैंने अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं ऐड करूंगी ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे आपको एट अ गिवन टेम्परेचर विद द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ओके ठीक है मैम, सॉल्युबिलिटी बेसिकली मतलब यही है कि हम कितना सॉल्यूट ऐड करते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और एक ही टेम्परेचर पे, या वो गर्म है या ठंडा टेम्परेचर. एक ही टेम्परेचर पे एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है? क्योंकि हर एक सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, राइट? कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्ट है आपका, वो उस टेम्परेचर पे नहीं डिसॉल्व करेगा. ओके सो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रीट करते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, बेरियम सल्फेट ले लिया, इन सब की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है. ओके लाइक आई शो यू, मैं बता देती हूँ, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है. ओके तो पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम जो है आप 20 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व करवा सकते हैं टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? और इन द सेम वे अगर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है 20 डिग्री पर ही, तो आप उसमें 21 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हो बस, ठीक है? तो दोनों का टेम्परेचर यू कैन सी मैंने फिक्स रखा है, 20 डिग्री रखा है. ओके एक में 36 ग्राम ऐड हो रहा है, एक में 21 ग्राम ऐड हो रहा है. ओके तो दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्ट इटसेल्फ कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो जाएगा इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्ट. ओके तो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो जाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो हमने ट्रू सॉल्यूशंस कर लिए हैं, सस्पेंशंस कर लिए हैं. ओके सस्पेंशंस में हमने एग्जांपल दी थी, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है? चॉक वाटर, पेंट, स्मोक इन एयर, दे ऑल आर सस्पेंशन. बेरियम सल्फेट, चॉक वाटर, सैंड वाटर, ठीक है, पेंट्स, दे आर ऑल्सो सस्पेंशन, एंड स्मोक इन वाटर इट इज ऑल्सो सस्पेंशन, स्मोक इन एयर सॉरी. ओके सो दे ऑल आर द सस्पेंशन सॉल्यूशंस. अब उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज द कोलाइड. थर्ड कैटेगरी आती है कोलाइड्स. कमिंग टू द कोलाइड्स नाउ, अब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बाद ये तीसरा हमारी कैटेगरी है जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. नाउ दे शो वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है? डिफरेंट कैसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क है, हैव यू एवर सीन मिल्क? सबने देखा है, पीते भी हो मिल्क. मिल्क किस किस से बना है? व्हाट आर द थिंग्स, वेरियस थिंग्स दैट कंपोज अ मिल्क? जी दिया, proteins, carbohydrates, water, carbohydrates, fats, then protein, right? protein and fats, fats hain, theek hai? so different different things they are present in the milk. par kya aapko milk mein wo cheeze nazar aati hain? if I take milk, are you able to see those substances? no, with the naked eye. as it is, agar aap dekhna chaho to aapko jo milk ke andar cheeze hain wo nahi pata chalti hain, राइट? वो नहीं दिखती है, बट वो चीजें तो प्रेजेंट है उसके बीच में, द थिंग्स दे आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी. तो ये एक थर्ड कैटेगरी आ जाती है सॉल्यूशन. एक कैटेगरी हमने पढ़ी है ट्रू सॉल्यूशन की, जिसमें
टोटली मिक्स हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है कुछ. सेकेंड कैटेगरी वी स्टडीड सस्पेंशन, जिसमें हमें क्लियरली नजर आता है कि मेरा सॉल्यूट यहाँ पे है, सॉल्वेंट यहाँ पे है, ठीक है. अब ये थर्ड कैटेगरी आ जाती है कोलाइड की, जिसमें हमें पता भी है कि वो चीजें प्रेजेंट है बट वी आर नॉट एबल टू सी. प्लस यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको फिजिकल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन में भी दिखेगा वो, नो, दे आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट द सॉल्यूशन इट अपीयर्स टू यू, हमें कैसा लगता है, होमोजीनियस है, दोनों घुले हुए हैं, एक दूसरे में मिक्स हुए हुए हैं अच्छे से. बट एक्चुअली व्हेन वी आर गोइंग टू सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, नेक्ड आई से देखेंगे तो हमें दोनों घुले घुले नजर आ रहे हैं, अच्छे से मिक्स नजर आ रहे हैं. बट वेन वी आर गोइंग टू सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे से आप देखोगे उसको, तो यू विल सी दैट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर, ठीक है. तो मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि कोलाइड जो है वो धोखा देने वाली चीज है. दे अपेयर टू यू एज होमोजीनियस, वो हमें लगेगा कि होमोजीनियस है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस. ओके, हमें देखने में लगेगा कि वो होमोजीनियस है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. ओके, मिल्क की एग्जाम्पल हो गई है. ब्लड, ब्लड में भी आपको पता है आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, राइट, दे ऑल आर प्रेजेंट बट हमें तो नजर नहीं आते हैं हमारे ब्लड में, हमें तो जस्ट एक रेड कलर का सब्सटेंस नजर आता है. बट वी नो ब्लड जो है वो इन सब चीजों से बना हुआ है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर नजर आएंगी हमें, दे विल बी विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, सो कोलाइड्स आर द सॉल्यूशन दैट अपीयर टू यू एज होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग, इन दोनों के लिए हमने दो टर्म्स मेंशन की थी, एक थी सॉल्यूट, एक थी सॉल्वेंट. टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के केस में हमने दो टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की थी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. कोलाइड के केस में भी ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है. कोलाइड के केस में भी हमने ये दोनों टर्म्स लिखनी है, सॉल्यूट भी लिखना है, सॉल्वेंट भी लिखना है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया. ओके, कोलाइड के केस में हम इनको क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, एंड द सेकेंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम. है वही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, बस जब हम कोलाइड्स की बात करेंगे तो हमने इनका नेम चेंज कर दिया है. दिस इज डिस्पर्स्ड फेस एंड दिस इज डिस्पर्जन मीडियम. ओके, तो लिख लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, हमारा सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट है. ओके, सो डिस्पर्स्ड फेस, इट इज द कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन. यही हम सॉल्यूट के लिए कहते हैं. Component that is present in small amount or proportion, right? जो dispersed phase होता ना वह हमारा, that is, it is having a solute like characteristic. Okay, solute like phase है ये. Solute like characteristics it is showing. Dispersion medium, medium यानी कि जिसमें solute present है, हम solvent की बात करते हैं, ठीक है, solute and solvent, तो जिसमें ये dispersed phase suspended है, जिसमें ये present है, उसको हम क्या कह देते हैं, dispersion medium कह देते हैं. Okay, so it's the component that is present in the excess. राइट, तो डेफिनेशन सेम है, बस हमने नाम चेंज किए हुए हैं इनके. एंड इट एक्ट्स लाइक अ मीडियम. ओके, इन विच द कोलाइडल सॉल्यूशंस दे आर डिस्पर्स्ड और इन विच
कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड. ठीक है, तो जैसे हम सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, वैसे ही हमने अपने डिस्पर्स्ड फेस को किसमें डाल दिया है, डिस्पर्जन मीडियम में डाल दिया. तो मीनिंग उनका सेम है, जनरल मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम कह दिया. एग्जाम्पल्स यू कैन राइट डाउन मिल्क, ब्लड, इंक, सोप सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, इंक, सोप सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, फॉर्म हो जाती है, एरोसोल्स हैं, ओके, डस्ट, मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, राइट. कुछ पेंट्स जो हैं वो हम कोलाइडल में भी काउंट करेंगे. ठीक है, कुछ पेंट्स की एग्जांपल हम कोलाइडल में भी काउंट करेंगे. ओके, तो कुछ पेंट्स जो हैं दे एक्ट एज अ सस्पेंशन मीडियम आल्सो एंड सम पेंट्स दे एक्ट एज अ कोलाइडल मीडियम आल्सो. एलॉयज हो गए, जेलीज हो गई आपकी, शेविंग क्रीम, दे ऑल विल बी कोलाइड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम इसका डिफरेंस जो है वो बाकियों के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे ये और जो बाकी दोनों हैं दे आर डिफरेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू द कोलाइड पार्ट नाउ. सबसे पहले कोलाइड की नेचर. अभी मैंने आपको क्या बताया, धोखा देने वाले हैं ये. सो दैट मींस दे अपीयर टू बी होमोजीनियस. हमें नजर आएंगे कि दोनों मिक्स हैं, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस. अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस. ओके, सो दिस इज अबाउट देयर नेचर. सो आफ्टर नेचर वी विल बी डिस्कसिंग देयर पार्टिकल साइज. True solution का size it was less than 10^-9. Suspensions का size जो था it was greater than 10^-7. And इनका जो है, क्योंकि इसमें homogeneous और heterogeneous nature दोनों show होती हैं, तो true solution properly homogeneous है, suspension properly heterogeneous. ठीक है, तो जो collides आते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं. So their particle size is between 10^-7 to 10^-9. ठीक है, इनका particle size इन दोनों के बीच में आता है, homogeneous और heterogeneous solutions. Appearance, देखने में कैसे नजर आएंगे. Milk है, जनरली ट्रांसपेरेंट ही नजर आएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट अगर आप उसको ग्लास में लोगे तो यू कैन सी थ्रू इट. ओके, सो जनरली ट्रांसपेरेंट. फिल्टरेबिलिटी, क्या हम इनको फिल्टर कर सकते हैं. यस, क्या हम मिल्क में से फैट, प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट देम. नो, दे कांट बी फिल्टर्ड. ओके, बट देयर इज वन टेक्निक थ्रू विच वी कैन सेटल डाउन. ओके, तो सेटलिंग नेचर में अगर आप अपने मिल्क को प्लेस योर मिल्क फॉर 1 hour, 2 hour के लिए एक ग्लास में डाल के रख दो, विल यू सी द फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस एट द बिलो, नीचे आएंगे, नहीं आएंगे, राइट.
फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे विल नॉट सेपरेट आउट, चाहे आप उनको जितनी मर्जी देर के लिए रख लो, दैट मींस दे डोंट सेटल डाउन ऑन ग्रेविटी. ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ये चीजें जो है वो सेपरेट नहीं होंगी, बट देयर इज वन मेथड ऑफ सेपरेटिंग देम, सेटलिंग देम. ओके, सो दे सेटल डाउन. On centrifugation, नीचे लिख देती हूँ मैं. अब आपने घर में क्रीम ली हुई है, यू आर हैविंग क्रीम, मिल्क क्रीम होती है ना, मिल्क क्रीम में आपको बटर नजर आता है? नहीं नजर आता ना. बट जब आप उस मिल्क क्रीम को रोटेट करवाते हो एट वेरी वेरी हाई स्पीड, जब आप उस मिल्क क्रीम को रोटेट करवाते हो एट वेरी वेरी हाई स्पीड, कैन यू सी द फॉर्मेशन ऑफ बटर? आता है ना नजर हमें? तो बस हमने भी वही करना है सेंट्रीफ्यूगेशन. वी विल बी रोटेटिंग आवर मिक्सचर एट वेरी 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 हाई स्पीड. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे जब हम उसको रोटेट करेंगे तो जो हैवियर सब्सटेंसेस है वो नीचे आ जाएंगी, जो लाइटर है वो ऊपर चले जाएंगे. एंड दिस मेथड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज विजिबिलिटी. Coming to the next is visibility. Naked eye से तो हम देख नहीं सकते, as simple, right? दूध मेरे सामने पड़ा है, blood मेरे सामने पड़ा, but I can't distinguish its component. ठीक है, so can't be seen with the naked eye. और मैं यहाँ पे बेटा पार्टिकल मेंशन करना, ठीक है, पार्टिकल दे कांट बी सीन विद दी नेक्ड आई. ओके, बट दे कांट, दे कैन बी सीन, बट दे कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप्स के नीचे उनको विजुलाइज कर सकते हैं. So we are having ultra microscopes. So we can visualize the various particles or various components of a collide under that. Last is Tyndall effect. I'll be explaining this now next. So next is Tyndall effect. बिकॉज ये इफेक्ट एक्सप्लेन करना ही तभी इम्पॉर्टेंट है जब आप तीनों टाइप्स कर लेते हो, क्योंकि आपको ट्रू सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, सस्पेंशन का और कोलाइड का. ठीक है, तो ये इफेक्ट करने का तभी टाइम है. टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड दे शो टिंडल इफेक्ट. Please write down one clear cut explanation for the Tyndall effect. True solutions कभी भी Tyndall effect नहीं show करते हैं. Suspension and collide they always show. Because some students they normally write, जो पीछे वाली class भी थी वो हमेशा ये लिखते थे, या sometimes some students they write down, they may or may not show Tyndall effect for the collides. यहाँ पे may और may not show करने वाली कोई possibility नहीं है, हमेशा सस्पेंशन एंड कोलाइड दे विल बी शोइंग. ओके, सस्पेंशन एंड कोलाइड दे विल ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट. देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर मे और मे नॉट, क्योंकि होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस का कंफ्यूजन उनको हो जाता था कि होमोजेनियस तो करते नहीं है पर हेट्रोजीनियस करते हैं, इसलिए बच्चे नॉर्मली लिख देते हैं मे और मे नॉट, बट एक्चुअली कोलाइड दे ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट. तो क्लियर कट लिखना है आपने भी पेपर में, मे और मे नॉट वाली पॉसिबिलिटी नहीं चलानी है फॉर द कोलाइड्स. कोलाइड्स यस दे शो टिंडल इफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? सी वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइड. अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल लेनी है. ठीक है,
दिस एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म एट योर होम्स ऑल्सो और नेक्स्ट टाइम आई विल बी परफॉर्मिंग इट और आई विल बी सेंडिंग द वीडियोस टू यू. ओके, तो हमने करना क्या है, एक आप सॉल्ट सॉल्यूशन लो दैट रिप्रेजेंट द ट्रू सॉल्यूशन, एक आप ले लो कोलाइड, चॉक इन वाटर ले लो या सैंड इन वाटर ले लो, ठीक है, सॉरी दिस इज सस्पेंशन एंड द थर्ड वन यू कैन टेक कोलाइड. तो आपने जब कोलाइड का सॉल्यूशन लेना है जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि मिल्क का सॉल्यूशन ले लो, थोड़ा सा मिल्क वाटर में ऐड करो और उसको एक या दो दिन के लिए रख दो ताकि जो मिल्क के हैवियर कॉम्पोनेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए नीचे. ओके, फिर आपने क्या करना है, लेट मी शो यू वन पिक्चर. What you have to do, you have to take a torch or any light source, ठीक है, कोई भी एक light source लेना है और ऐसे ही आपने जो light है उन solutions में से pass करवानी है. Okay, you will be passing the light through these solutions in the same way. So can you see कि जो light है वो एक में से pass कर रही है और दूसरे में से pass नहीं कर रही, राइट right? एक सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है, दैट रिप्रेजेंट द ट्रू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, पूरा नहीं है, इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट, तो यानी कि एक कोलाइड रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यू कैन क्लियरली सी द पाथ ऑफ लाइट दैट इज विजिबल थ्रू इट, देख सकते हो आप कि जो कोलाइड वाला है, राइट, विच इज लाइट मिल्की इन नेचर, उसमें से जो आपको लाइट है वो क्लियरली नजर आ रही है, बट यही लाइट जो है वो आपको ट्रू सॉल्यूशन में से नजर नहीं आ रही. सो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो आपको नजर आ रही है लाइट बाय द स्कैटरिंग फिनोमिना फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कोलाइड एंड सस्पेंशन, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. ओके, एंड टिंडल इफेक्ट आप सस्पेंशन पे करोगे तो भी आपको विजिबल होगी लाइट. द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन while it is clearly observed in case of suspensions and collides. Okay, so this is Tyndall effect, right? Scattering of light by the colloidal particles, colloidal and two suspension particles. Okay, scattering of the light by the colloidal and suspension particles, that is known as Tyndall effect. So write down the definition, rest we will be continuing tomorrow. So this is the scattering of a beam of light through suspension and colloidal solutions, that is known as Tyndall effect. Okay, that is known as Tyndall effect. अब इसकी explanation and rest part we will be discussing tomorrow कि क्यों true solutions जो हैं वो क्यों नहीं करते. Okay, so go through this. तो कल हम dispersed phase और dispersion medium में types of collides करेंगे different and Tyndall effect में आपको in detail बताऊंगी. Okay, चलिए.